तो जब तक वेस्ट में क्राइसिस पीक तक आएगा तब तक हम देख पाएंगे कि INR का जो रेट है वो 1995 के आसपास तक जा सकता है। G20 के जितने भी लीडर्स आए थे वो सारे गांधी जी के समाधि के वहां प्रोसेस में, क्योंकि वो एक पार्ट था उस इवेंट्स का, पर MBS वहां नहीं थे। मिडिल ईस्ट के जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रूट्स थे जो भारत के कल्चर से उनको कनेक्ट करते हैं, आई थिंक उसी का ये बिगिनिंग है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोगों ने ये मिस कर दिया है। POK जो है वो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ज्वाइन कुछ ही टाइम में, तो हैव पेशेंस। फिर ये प्रेडिक्शन तो मैंने आई थिंक 1.5-2 साल पहले दे दिया था कि UAE विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ ज्यूइश मेजॉरिटी एंड ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी। अंकित शाह का नया प्रेडिक्शन क्या है, क्या होने वाला है? नमस्कार अंकित जी, फिर से वेदम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते अंकित जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब हमने हमारा लास्ट पॉडकास्ट अंकित जी के साथ किया, इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर, उसमें लोगों ने बहुत सवाल किए हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे यूट्यूब पर लोग हमसे मिले। जो डी डॉलराइजेशन की बात अंकित जी ने की है वो लोगों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अंकित जी, आज हमारा पहला सवाल उस पर ही करेंगे। लोगों ने पूछा कि आपने डी डॉलराइजेशन की बात की, पर अभी की सिचुएशन देखें तो इंडियन रुपी डी वैल्यूएट हो रहा है डॉलर के सामने, और शायद वर्ल्ड करेंसीज भी डॉलर के सामने डी वैल्यूएट हो रही है। तो पहला, ये क्यों हो रही है? दूसरा, ये कब तक ठीक होगा? जी, तो जब हम समझते हैं डॉलराइजेशन का प्रोसेस, डॉलराइजेशन के प्रोसेस में बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो ज़्यादा डीवैल्यूएट होती है कंपेयर टू द US डॉलर, क्योंकि हर एक करेंसी जो है उसका US डॉलर के साथ एक पेगिंग हो चुका है सिंस 1971। तो अभी जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जो US डॉलर है वो पूरा रिजर्व करेंसी बबल अपने अंदर वापस समेट रहा है। ठीक, तो US डॉलर जो है ये डी डॉलराइजेशन प्रोसेस में ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो जब तक वेस्ट में क्राइसिस पीक तक आएगा तब तक हम देख पाएंगे कि INR का जो रेट है वो 1995 के आसपास तक जा सकता है। ओके, एट द पीक ऑफ क्राइसिस इन द वेस्ट। ठीक है, और जब नेगोशिएशन शुरू होंगे फाइनेंशियल या करेंसी रीसेट के ऊपर, जो मुझे समझ में आ रहा है 2025 के UK इलेक्शंस के बाद इसकी बातें आना शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि उसका रेंज, सबसे पहला जो ट्रिम लगेगा वो फिर 60-65 के आसपास हो सकता है। आपका कहना है कि US ये खुद कर रहा है, आपने कहा कि US अपने डॉलर रिजर्व अपने पास ले रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं US अपना इन्फ्लेशन दुनिया को पास कर रहा है, ऐसा ही हुआ ना? जी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ इंडियन करेंसी डीवैल्यूएट नहीं कर रही है, सारी करेंसीज कर रही है और आगे भी करेंगी। आगे भी करेंगे। अच्छा अंकित जी, कल सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी की मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी जी से, और आप तो जानते हैं पहले ब्रिक्स हुआ, उसके बाद G20 हुआ, उसके बाद ये मीटिंग हुई, तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? प्लस उन लोगों ने यूरोपियन कॉरिडोर की बात की है, तो ये पूरी चीज आप समझाइए कि कल की मीटिंग से हम क्या आगे की रणनीति समझ सकते हैं। जी, सबसे पहले हमें क्राउन प्रिंस MBS जो है सऊदी अरेबिया के, उनके बारे में हमें ये समझना है कि उनका जो विजन है 2030 फॉर सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट, वो देख पा रहे हैं अपने आप को एक ऐसी कंट्री जो पूरी सेक्युलर और डी रेडिकलाइज हो चुकी होंगी और उस प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन हो चुका होगा इकोनॉमी का, जो मुफ्त का जो क्रूड ऑयल जमीन से निकल रहा है उसके बाहर। क्या बात, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा जो, और फिर ये प्रेडिक्शन तो मैंने आई थिंक 1.5-2 साल पहले दे दिया था कि UAE विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ ज्यूइश मेजॉरिटी एंड ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी। तो उसी के प्रोसेस के चलते मुझे लगता है कि डी रेडिकलाइजेशन जो मंदिर योग और आयुर्वेद से तो बिगिन हुआ है पूरा डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस,
लेकिन आगे जाते हुए हमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा जो मैं बताता हूँ कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में प्राण प्रतिष्ठा करें किसी मंदिर का, तो ये भी हो सकता है। और जितने भी MOUs हुए हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि G20 के जितने भी लीडर्स आए थे वो सारे गांधी जी के समाधि के वहाँ प्रोसेस में, क्योंकि वो एक पार्ट था उस इवेंट्स का, पर MBS वहाँ नहीं थे। वाओ तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, और वो नहीं मानते इस प्रकार के जो एक कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना या उस प्रकार की जो थॉट प्रोसेस है। और जितने भी MOU साइन हुए हैं, 7-8 कुछ MOU साइन हुए हैं जो मेन वाले, दूसरे तो कुछ 50 अग्रीमेंट्स बोल रहे हैं हुए हैं साइन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो मुझे लगा वॉज कि भारत और सऊदी अरेबिया के नेशनल आर्काइव्स का एक्सेस दिया जाएगा एक दूसरे को। तो जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि सोमनाथ से काबा और टेंपल माउंट इजराइल से केदारनाथ जो एक पैरेलल बनता है टेंजेंट, मुझे लगता है कि ये जो पूरा डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है उसी के अंदर मिडिल ईस्ट के जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रूट्स थे जो भारत के कल्चर से उनको कनेक्ट करते हैं, आई थिंक उसी का ये बिगिनिंग है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों ने ये मिस कर दिया है। जी शायद पाकिस्तान इसीलिए थोड़ा दुखी चल रहा है। तो पाकिस्तान इज टोटली एन इररिलेवेंट कंट्री, मतलब उस पर बात करके भी इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और जो समझ में आता है बहुत क्लियर कि कल जो स्टेटमेंट आई है वीके सिंह सर की, यूनियन मिनिस्टर, कि POK जो है वो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ज्वाइन कुछ ही टाइम में, तो हैव पेशेंस। तो मुझे लगता है उसके साथ जिस प्रकार का इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के कॉरिडोर की बात हुई, तो एक इकोनॉमिक अलायंस और बन चुका है। और क्योंकि कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मैंने पाए क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, पूछ रहे थे कि सुएस कैनल से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है तो ये सऊदी के थ्रू क्यों जा रहा है ये सब रूट। तो लोगों को समझना है कि ये खाली इकोनॉमिक अलायंस नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ कि UAE एज द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया एज अ ज्यूइश मेजॉरिटी, इसीलिए रूट वहाँ से जा रहा है। तो यहाँ से UAE और फिर UAE से सऊदी अरेबिया की रेलवेज ज्वाइन करेंगी टिल हाइफा पोर्ट इन इजराइल, फिर हाइफा पोर्ट से ग्रीस के 2-3 पोर्ट्स की बात हुई है जो कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा कैसे DRI को रिजेक्ट करते हुए इसको ज्वाइन किया, और जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स तीनों ने ये प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फंडिंग से लेके सब कुछ, शायद वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। एटलीस्ट दैट इज व्हाट इज ऑन फेस। तो वो तो है ही कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसमें जितने भी कंट्रीज जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि डेट उनको पकड़ा दिया गया, जितना पेमेंट्स होना था वो वापस चाइना लेके चले गए, वर्कर्स चाइनीज वर्कर्स को सैलरी और रॉ मटेरियल्स और मशीनरी चाइनीज इस्तेमाल करके, और एसेट जो है वो पूरा कब्जा हो गया। अब देख रहे हैं अंबन टोटा में कैसे 99 ईयर्स का लीज हुआ। तो आई थिंक सब कंट्रीज को एक्सपीरियंस हो चुका है वो चाइनीज यूनिलैटरल थॉट प्रोसेस का। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल तो कभी भी था ही नहीं, ना ही वो एम था, क्योंकि चाइना ने जानबूझ के वो सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह सिलेक्ट किए थे जो फाइनेंशियली वायबल थे ही नहीं। जैसे ग्वादर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिंगापुरियन कंपनी ने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वो फिजिबल नहीं था फाइनेंशियली। तो क्योंकि मोटिव ये था कि ये चाइना ने आई थिंक अफ्रीका में सीखा कि ऐसी पुअर रीजन वाली जो प्रोजेक्ट्स होती है वहाँ से आपको वुमेन मिलेंगे फॉर मैरिंग द चाइनीज मैन, तो उनका जो जो सेक्स रेशियो गड़बड़ी हो चुका है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, तो उनका BRI का एक एम ये था कि मैरिज करवा पाएंगे वो लोकल एरियाज की वुमेन का चाइनीज वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स भी कैसे जो
बीजिंग के जेल में से क्रिमिनल्स निकले हुए, तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो आइडेंटिटी कॉन्शियस है उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किए हैं ये प्रपोजल कि लोकल वुमेन का मैरिज विद अ चाइनीज मैन। तो फिर उसके बाद चाइना ने चाइनीज फूड, चाइनीज रेस्टोरेंट, न्यूज़पेपर, मैंडरिन के क्लासेस, क्योंकि वो वुमेन को ढालने के लिए चाइनीज कल्चर में वो सब कोशिश करना शुरू किया, लेकिन वो भी फेल हो चुका है। तो आई थिंक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे BRI के वो सारी कंट्रीज में अब एक्सपोज हो चुके हैं, और दोनों थियोरीज अब रिजेक्ट कर दी गई है। जो एक कैपिटलिस्ट अमेरिकन माइंडसेट था कि वर्ल्ड इज अ मार्केट, तो आपने देखा जयशंकर जी ने और कैसे प्राइम मिनिस्टर ने B20 मीटिंग में बहुत क्लियर बताया कि हमको आप कंज्यूमर ट्रीट करना भूल जाए। बहुत सही बात, भूल जाए कि हम कंज्यूमर्स हैं। तो वर्ल्ड इज अ मार्केट की थियोरी को रिजेक्ट किया गया और वन बेल्ट वन रोड को भी रिजेक्ट किया गया, और वही वासुदेव कुटुंबकम वर्ल्ड इज अ फैमिली वाला जो सनातन धर्म का प्रिंसिपल है उसी पे G20 अग्री होते हुए दिख रहा है, और वही डिक्लेरेशन में हर जगह क्लियर पता भी चलता है वर्डिंग्स जिस तरह से इस्तेमाल। अंकित जी, जो ये MBS से हमारी मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी की कल, उससे क्या हम लोग अभी जो ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, हम उनसे बहुत सारा क्रूड खरीदते हैं, क्या वो भी इंडियन रूपी में हो सकता है? जी, इसी पे वर्क शुरू हो चुका है, ये अग्रीमेंट ऑलरेडी है, UAE के साथ तो हो ही चुका है, आपने देखा। हाँ, इंडिपेंडेंस डे के एक ही दिन पहले वो ट्रांजैक्शन हो गया, तो सऊदी अरेबिया के साथ भी जो अब ट्रेड होगा वो इंडियन रुपीस के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, और उसकी वजह से US डॉलर पे हमारा जो डिपेंडेंस है वो शायद कम भी हो जाएगा। वही है, उसको डीडॉलराइजेशन को आप अलग अलग, क्योंकि वो दैट इज नॉट द टर्मिनोलॉजी जो लोग इस्तेमाल करेंगे ऑफिशियली, तो आप उसको मल्टी करेंसी बोलो, लोकल करेंसी बोलो, नेशनल करेंसी बोलो, इट इज डीडॉलराइजेशन। आप उसको क्लाइमेट चेंज बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इफेक्ट बोलो, अलग अलग नाम जो देना चाहें, बट बेसिकली इट इज दैट। अंकित जी, ब्रिक्स हुआ, उसके बाद G20 जो भी G21 हो जाएगा वो भी हुआ, उससे इंडिया को मेजर क्या बेनिफिट होगा? दो तरीके से, एक तो फ्यूचर में हमारे ट्रेड के ऊपर क्या बेनिफिट होगा, और इंटरनेशनल हमारी इमेज के ऊपर उसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, हमें ये समझना है कि ये जो पूरा डीडॉलराइजेशन का वेव है उसी के साथ पैरेलल में डीकोलोनाइजेशन का वेव चल रहा है। तो अगर आपने नोटिस किया कि हम ना सिर्फ कह रहे हैं कि हम अपनी कंट्रीज डीकोलोनाइज करेंगे, हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक को भी डीकोलोनाइज करो, IMF को भी डीकोलोनाइज करो, यूनाइटेड नेशंस को भी डीकोलोनाइज करो। तो आई थिंक उसी के चलते भारत ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हमारी डेडलाइन जो थी, अगर वॉशिंगटन के पास थोड़ा भी विजडम होता तो हमारी डेडलाइन दिसंबर 2022 की थी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट सीट तभी मिल जाती। अब क्योंकि वो डेडलाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रोनल जी, ये जो जनरेशन है उसके पास इतना पेशेंस है कि नेक्स्ट 2028 तक हम इंतजार करने वाले हैं ये डेलीब्रेशंस के लिए। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव उठाया, ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट तुरंत ही ऑर्गेनाइज कर दी, सारे नेशंस को बुलाया गया, और वहाँ पे ये फंक्शनैलिटी तय कर दी गई कि ग्लोबल साउथ में हम डिसीजन लेंगे और फिर भारत वो डिसीजन आगे जाके G20 है या ब्रिक्स है, जो भी बॉडीज है, इंटरनेशनल समिट्स है, वहाँ पे भारत पूरी जोर तरीके से वो डिसीजंस उठाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत का जो ये स्टेप था कि ब्रिक्स प्लस में जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरा रिप्रेजेंटेशन डलवाया, बिल्कुल वैसे भारत ने G20 में भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेशन डलवाया, बिकॉज अल्टीमेट एम हमारा ये है कि पहले ग्लोबल साउथ डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है, वो डिसीजन भारत में होगा दिल्ली में, और फिर दिल्ली जो है वो G20 यूनाइटेड नेशंस हर जगह वो पुश करेगा कि हमने डिसाइड कर लिया है ये होना है। तो आई थिंक एक फंक्शनैलिटी इसी प्रकार की बन चुकी है कि एक रशिया चाइना के सर्कल में भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन
बिल्कुल वैसे वेस्टर्न कलेक्टिव में भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन, और ये लीड भारत ने लिया ये रिप्रेजेंटेशन डलवाने में। और जब भी नया बॉस आता है वर्ल्ड के लिए, तो ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको दिखते हैं कि जैसे G20 अब क्लोज हो चुका, अब ये G21 बन चुका है। G21 बन चुका है जी। G20 से G21 अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने से बना, पर जैसे आपने पहले बात की कि अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज की रिलेशन चाइना के साथ अभी भी अच्छे हैं। अभी इंडिया ने जो पहल की है अफ्रीका को भी अपना हक दिलाने की, उससे क्या चाइना की पॉलिसी को, या कह सकते हैं कि इंडिया अपने रिलेशन को अफ्रीकन सारी कंट्रीज के साथ ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकेगी? देखिए, भारत के जो रिलेशंस हैं सारी कंट्रीज के साथ, वो बाकी के किसी भी कंट्रीज के साथ उस प्रकार के रिलेशंस का जो थीम है बहुत ही अलग है हमारा थीम। क्योंकि हमने जिस प्रकार से किस कोई भी हेल्प दी हो, कुछ असिस्टेंस किया हो, तो उसका हमारा फॉर्मूला बहुत अलग है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर कोई छोटा सा देश है जिसको फ्रेश वाटर की ज़रूरत है, तो जो P5 के नेशंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर बॉटल्स दे दिए, तो हर साल वापस उनको मांगना पड़ेगा कि हमको हेल्प करो। और भारत का जो तरीका है कि हम आपके डैम के प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस और मॉनेटरी असिस्टेंस दोनों करेंगे, तो आपको 2-3 साल में जब आपका डैम रेडी हो जाता है तो आपको फिर से हमें आपके हेल्प के लिए मांगने आने की जरूरत नहीं बनाता, इंपेंडेंट नहीं बनाता। तो एक भारत का जो ट्रस्ट फैक्टर है डिप्लोमेसी में, उसको तो कोई मैच नहीं कर सकता। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चाहे वो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को या अमेरिकन कंपनीज के थ्रू माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को, तो उसमें एक एक्सप्लॉयटेशन का आपको थीम दिखाई देता है जो भारतीय मॉडल्स में नहीं होता, हमारी कंपनीज नहीं करती, नहीं होगा। G20 में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की, इस बार G20 में रशिया को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, स्पेशली अमेरिका ने नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका का प्रभाव दुनिया पर कम हो रहा है? देखिए, एक बात हमें समझनी है कि एक फाइनेंशियल रीसेट की ओर वर्ल्ड बढ़ रहा है, और जिस प्रकार के वेस्ट में क्राइसिस आने वाले हैं उसके चलते आप भूल जाएं वो यूनिपोलर यूनिलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, पहले पाउंड था और फिर US डॉलर, तो आप भूल जाएं कि वो वाली कोई भी थीम अब चलने वाली। तो मुझे लगता है कि जो G20 की शुरुआत हुई जिस प्रकार से, क्योंकि आज तक खाली अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं और डिमांड रख सकते हैं कि आपको व्हाइट हाउस आना पड़ेगा मुझसे मिलने। तो दुनिया का कोई भी लीडर, चाहे छोटे से बड़े कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट सारे लीडर्स के साथ इतने इंटीमेट फ्रेंडली रिलेशंस हैं कि सबको व्हाइट हाउस बुलाए, पर ये प्रोटोकॉल पूरा वर्ल्ड उनको देता है। क्योंकि वर्ल्ड यूनिपोलर सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाला फॉर्मेट में था, तो पहली बार आपने देखा कि US प्रेसिडेंट उतरते ही तुरंत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ड्राइव करके जाते हैं और प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो आई थिंक एक डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पब्लिकली हो चुका है कि क्योंकि बाकी किसी भी देश में जब बायलैटरल समिट्स होती है तो कभी भी होस्ट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस या रेजिडेंस के पास नहीं होती, ट्रू, सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स के। तो जो हम बताते हैं कि बस वर्ल्ड में नया बॉस आया है, तो ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। सही बात। G20-21 में हमने एक और चीज ऑब्जर्व की, इंडिया ने G20 की जो शुरुआत थी उसमें महाभारत की बात की, रामायण की बात की। और अभी इंटरेस्टिंगली मैंने कहीं पे पढ़ा कि देवदत्त जी करके हमारे सो कॉल राइटर हैं, जिन्होंने कहा है कि महाभारत और रामायण तो माइथोलॉजी है, ये सच नहीं है, उस पर आपका क्या टेक है? और उन्होंने ये भी कहा कि वो बताना चाह रहे थे कि जैनिज्म का एक थियरी, उसमें भरत कोई अलग है, और फिर हिंदू वाले स्क्रिप्ट में भरत कोई अलग है, और साउथ वाले नॉर्थ और साउथ,
सो बेसिकली एक क्योंकि एक इंग्लिश क्लासरूम फॉर्मेट में आपको यही सिखाया जाता है कि आपके कल्चर को उस तरह से आप डाइसेक्ट करिए इंटेलेक्ट से, तो इंटेलेक्ट का एक वेपनाइजेशन ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट में सिखाया जाता है कि आप अपने ही कल्चर को इस तरह से डाइसेक्ट कीजिए कि सब डिविजन बाहर आए, राइट। तो एक वो नज़रिया होता है, और दूसरा ये होता है जो हमें समझ आती है कि चक्रवर्ती भरत राजा चाहे कोई भी स्क्रिप्चर में उनके रिलेटेड जो भी इन्फ्रेंसेज हो, बट द फैक्ट इज कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये धरती का नाम भारत रखा था, अनडाउटेडली, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, चाहे रेफरेंसेज अलग अलग आप किसी भी स्क्रिप्चर्स में से उठा लें, ठीक। और नॉर्थ साउथ जो होता है, जो डिवाइड की ये लोग बात करते हैं, नॉर्थ साउथ खाली ज्योग्राफिकल ट्रैवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार की डाइवर्सिटी क्लाइमेट से लेके फूड से लेके क्लोथिंग से लेके रूटीन ट्रेडिशंस से लेके सब चीज़ में है, तो इसमें अगर किसी को डिवाइड दिखता है तो उसको डिवाइड दिखेगा, राइट। जिसको एक कल्चर दिखाई देता है उसको एक कल्चर दिखाई देगा, तो नज़रिए का डिफरेंस है। और जिस प्रकार से बार बार वो ब्राह्मणिकल ब्राह्मणिकल बात कर रहे थे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, तो हमारे दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्राह्मण जो है वो एक टाइटल है, वो बाय बर्थ थियोरी नहीं है कि एक क्लोज ग्रुप बन गया इंटेलेक्चुअल का जो किसी को नॉलेज पास ऑन नहीं करेगा, सिर्फ उसी का हक है। तो पहले तो आप एंशंट भारत को समझने की कोशिश कीजिए, ब्राह्मण इज अ टाइटल। तो अगर आपका कर्म जो है उससे आप सिद्ध कर पाते हैं कि आप नॉलेज सीकिंग और नॉलेज डिलीवरी के लायक है, तो आपको वो टाइटल मिलेगा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि आरएसएस के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो बताते हैं कि दलित में से भी कुछ ब्राह्मण्स बने। ट्रू। तो कोई चीज बनने के लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए। वेद व्यास कौन थे जी? तो पात्रता की बात है यहाँ। और फिर मॉडर्न एजुकेशन में भी अभी भी कंटेम्प्रेरी में बिना फिल्टरिंग के तो आपको एक्सेस नहीं मिल जाता, आपको एडमिशन टेस्ट देनी पड़ती है, राइट। तो और फिर एक वो कालखंड था जहां पे इन्वेडर्स ने अटैक किया भारत को, जब आपकी सोसाइटी में बाहर से अटैक हो रहा है तो बहुत सादा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि जो आपका जो भी नॉलेज बैंक है उसको प्रिजर्व करने के लिए आप कोशिश करेंगे, आप उसको डाइल्यूट नहीं होने देंगे। तो एक इनसिक्योरिटी सी हो जाती है उस कालखंड में कि नहीं, ये नॉलेज मैं किसी और को पास ऑन करूंगा जो इसमें हो सकता है इसके अंदर कुछ बदमाशी करें। तो ऐसे फ्री एक्सेस एजुकेशन तो आज भी नहीं है, तो तब कहाँ से होगा जब डिजिटल और ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त। तो बहुत सादा सी बात है। और फिर जिनको भी ब्राह्मण टाइटल से प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं कि आज वैसी उस प्रकार की थिंकिंग वाले लोग कहाँ मिलेंगे जिनको फाइनेंशियल एनरिचमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। True. जो उस प्रकार का नित्य क्रम और जो भी मैंडेट है उस टाइटल के लिए वो सब कुछ फॉलो कर पाए, पूरा मेमोराइज कर पाए ताकि नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को पास हो पाए धार्मिक ग्रंथों का। तो एक एक तरह से ये जो डिवाइड करने की कोशिश है बड़ी बदमाशी है। पहले तो इनको ये समझना है कि जो चार धर्म जाति वर्ण और कुल, ये चारों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको कास्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले इनको बर्थ के साथ भी कुछ लेना देना नहीं है, ये बड़ी बात। और अगर तो महाभारत में या रामायण में कुछ इंस्टेंसेस बताए गए कि एकलव्य को एक्सेस नहीं मिला किसी प्रकार के एजुकेशन का, तो वो इंस्टेंसेस हमें ये समझाने के लिए बताए गए कि ये बर्थ बेस नहीं है। तो महाभारत या रामायण जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बता रहे हैं कि आइडियल क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक। तो नहीं होना चाहिए वो भी उसमें दिखाया गया है, तो ये तो हम सबको समझ में आता है कि जो एक्सेस मिलना चाहिए जिनकी पात्रता है उनको मिलना चाहिए। तो ये गलत अर्थ से इसको इंटरप्रेट करना बहुत गलत हो जाएगा। और एक जो सिस्टम थी उस वक्त एंशिएंट भारत की ऑपरेट करने की, जिसमें ब्राह्मिन्स जो थे
वो पॉलिसी मेकिंग टीचिंग वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेल्थ कलेक्शन का नहीं है। तो उनको डिपेंडेंट रहना है, जो आर्म्स मिलेगा और उससे उनका सर्वाइवल चलाना है उनको। ठीक, जो बहुत सारी बदी हम आज फेस करते हैं, जब हम बताते हैं कि एजुकेशन सेक्टर तो बिजनेस बन चुका है, जो हम बताते हैं कि डॉक्टर्स तो प्रॉफिट सेंटर्स बन चुके हैं, फेक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बॉडी पे खाली बिल बनाने के लिए, राइट? तो ये मेडिसिन, वो वेद जो थे वो ब्राह्मण थे, पढ़ाने वाले जो थे वो ब्राह्मण थे, स्कॉलर्स सारे ब्राह्मण, सारे स्कॉलर्स। तो नॉलेज सीकिंग का अगर आपका कर्म है और फाइनेंशियल एनरिचमेंट आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप ब्राह्मण का टाइटल ले सकते हो। ठीक, उसी तरह क्षत्रिय जो है उनको क्या मिला? उनको पावर एक्सरसाइज करने को मिला, पर सामने उनकी ड्यूटी क्या है? उनको मर जाना है देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। ठीक, तो उनको भी फाइनेंस टैक्स टैक्स कलेक्ट करने को मिलेगा, राइट? उनको भी बिजनेस करके एनरिच करने का अलाउड नहीं है। True. बिल्कुल वैसे जो वैश्यज है वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कैसी इंटरकनेक्टिविटी है। वैश्यज पावर करेक्ट नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज, लेकिन रिस्क लेके बिजनेस कर सकेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, टैक्स पे करेंगे। ठीक, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना है किसको? शूद्रज को। अब जो शूद्रज है उनके कैपेसिटी नहीं है स्किल एंटरप्राइज करने की, तो वो जॉब के लिए डिपेंडेंट होंगे ऑन वैश्यस। ठीक है, लेकिन उनको फिर उतना टैक्स नहीं है। तो एक एंशिएंट भारत में ये चारों के बीच एक इंटरकनेक्टिविटी, इंटरडिपेंडेंस बना के एक फॉर्मूला बना था सोसाइटी रन करने का। ठीक, अंकित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित है, ना कि जन्म के ऊपर। पर अंकित जी, आपने ये जो पूरा समझाया उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगा कि, और वर्ण में भी आपको समझना है कि जब हम वर्ण बोलते हैं, हाँ, तो उसका डेरिवेशन है जिसका वर्ण किया जाए। वर्ण किया जाए यानी लर्नर को पहले खुद समझना है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। ट्रू, उसको कौन से स्किल में इंटरेस्ट है, और फिर जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें गुरु तय करेंगे फिल्टर करके कि ये शिष्य में ये स्किल के लिए पात्रता है या नहीं, फिर एडमिशन मिलेगा। जो आज के समय में ये शायद देवदत्त जी या ऐसे लोग, शायद ये क्या इसलिए हो रहा है कि इंडिया का जो प्रभाव बढ़ रहा है, अब किस तरह से इंडिया को डिवाइड किया जाए, इसी वजह से ये शायद ये सारा प्रोपोगंडा हो रहा है जी। ये मैं समझता हूं कि ये सारी जो एक इंडियनाइज करने की जो ब्रिटिश कॉलोनियल एजेंडा थी, और कोई नहीं बच पाया इसमें से, क्योंकि ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट में आपको इंटेलेक्ट को इस्तेमाल ही उसी तरह से करना है कि सब चीज को डाइसेक्ट करो, ये है, ये है, तो उसी को इंटेलेक्ट माना जाता है। तो आई थिंक जितने भी थॉट प्रोसेस वाले ये जो लोग हैं जो डिविजन देखते हैं, वो सारे विक्टिम्स हैं ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट के। और हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिव इंटेंशंस भी हो इनके, और ग्लोबल फंडिंग भी हो सकती है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हमने जैसे ये एक इंसिडेंट की बात की, इंडिया को डिवाइड करने का किस तरह से प्रयास किया जा रहा है, वैसे दूसरा भी बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। जैसे हमारे वहां पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आए, उन्होंने कहा कि आई एम अ प्राउड हिंदू, उसी के सामने हमारे ही देश के एक राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदय निधि कहते हैं कि सनातन को, हिंदुओं को खत्म कर देना चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हो जी? मुझे ये लोग जोकर जैसे दिखते हैं। और सनातन इज समथिंग विच इज इटर्नल, तो उसको खत्म तो कोई ह्यूमन बीइंग क्या कर पाएगा, तो उसका तो कोई कोई तर्क ही नहीं है, सिवाय जो वोट बैंक पॉलिटिक्स का उनका लॉजिक बनता होगा। तो आई थिंक, और फिर साउथ में हमने जैसे कुछ रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि जिस प्रकार से कन्वर्जन का फंडिंग और ये सब चल रहा है, बहुत बहुत बड़े तरीके से, मैसिव साइज में, स्पेसिफिक आंध्रा और तमिलनाडु, तो आई थिंक वो उसी वोट बैंक को टारगेट करते हुए इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं।
और मुझे लगता है कि जब तक ये अवेयरनेस नहीं आ जाती हमारे समाज में कि उनके कल्चरल रूट्स कहाँ पे है, तो एक कंफ्यूजन सा जो है, क्योंकि जो मेरी समझ है कि शास्त्र जो होते हैं वो होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि धर्म जो है जिसे धारण किया जाए, मतलब जो आपने शिक्षा दी, तो हमारे इंफॉर्मेशन के जो आउटलेट्स हैं और करिकुलम जो है स्पेसिफिक हिस्ट्री, वो अगर शास्त्र के प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं है, तो फिर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत डेंजर में आ जाएगी, जो हम देख रहे हैं कुछ कुछ पॉकेट्स में। तो शास्त्र होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और शस्त्र होते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। पर अगर आपका करिकुलम और हिस्ट्री ठीक नहीं है जो होनी चाहिए, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको शस्त्र इस्तेमाल करने पड़ेंगे फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक, अभी हमारे वहां पे ये जो लास्ट जी 2021 हुआ, एक चीज सबको थोड़ी ऑकवर्ड लगी कि हम उसमें ना पुतिन आए ना शी जिनपिंग आए, तो ऐसा क्यों? जी, एक बात आप समझेंगे, अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट था। ओके, ठीक है, तो वो एक इंटरनेशनल प्रेशर अफ्रीका के ऊपर था कि आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर व्लादिमीर पुतिन G20 में यहाँ विजिट करते तो फिर बहुत सारे वेस्टर्न फेक न्यूज आर्टिकल्स छप जाते कि वो अफ्रीका इसीलिए नहीं गए क्योंकि वो अरेस्ट से डर रहे थे। तो आई थिंक ब्राजील ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम हमारे वहां पे पुतिन का अरेस्ट नहीं करेंगे, शायद कल ही दिया है, नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंडिया विजिट करते तो बहुत ज्यादा वेस्टर्न पोर्टल्स से ये आर्टिकल्स चलते कि वो अफ्रीका इसीलिए नहीं आया अरेस्ट के डर से। तो आई थिंक उनको ये फेस सेवर समझ में आता है कि वो यहाँ नहीं है, बिकॉज आप जानते ही हैं कि नरेटिव मीडिया जो चलता है वो पूरा वेस्टर्न प्रो वेस्टर्न चलता है। तो आई थिंक वो तो समझ में आता है उनका एब्सेंस। जहाँ तक शी जिनपिंग का सवाल है, तो आई थिंक भारत अभी भी NSC स्टैंड ऑफ पे 2013 के एनक्रोचमेंट के ऊपर अड़ा हुआ है कि जब तक वो सॉल्व नहीं होता नथिंग गोज फॉरवर्ड। तो डिस्पाइट कि चाइना ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं कि सॉल्व किया जाए, पर भारत इस पे अड़ा हुआ है कि मनमोहन सिंह के टाइम पे जो एनक्रोचमेंट हुआ है उसका भी सॉल्यूशन चाहिए। तो बहुत हड़बड़ी की उन्होंने कि सॉल्यूशन बाकी की चीजों पे आ जाए और शी जिनपिंग आ पाए, पर मुझे लगता है कि इसका नहीं सॉल्यूशन हुआ और इसीलिए वो नहीं आए। लेकिन देखने वाली बात है कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा, तो उन्होंने डाउनग्रेड नहीं की समिट, उन्होंने अपने प्रीमियर को भेजा। ट्रू, तो चाइना को भी समझ में आता है सीरियसनेस इस इवेंट का कि कल को जब इंटरनेशनल समिट्स चाइना में होगी तो फिर भारत भी डाउनग्रेड कर देगा पार्टिसिपेशन। तो वो नहीं चाहते ऐसा हो, इसीलिए उन्होंने प्रीमियर को भेजा और फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा। ट्रू। अभी अंकित जी, आपके सब लोग जानते हैं कि अंकित जी उनके प्रेडिक्शंस के लिए बहुत फेमस है। अभी एक हाल ही में जो प्रेडिक्शन बहुत जो लोग मानते थे नहीं हो सकता, जो हो गया कि अभी इंडिया को लोग भारत कहने लगे हैं जी। एक तो आपने ये प्रेडिक्शन कैसे किया, और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा इसके बाद कि आपका अगला प्रेडिक्शन क्या है। तो सबसे पहले इंडिया भारत बन जाएगा, ये आपको कैसे पता? देखिए आई डोंट नो, आई मीन आई डू, मतलब जितनी भी ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज में रीड करता हूँ मैं बताता हूँ, और हिस्ट्री का जो भी इवेंट्स है सारी कंट्रीज का उसको मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, और तीसरा मुझे कैश फ्लो का इंटेंट समझ में आता है। इन्हीं चीजों को रीड करके मैं ये बताता हूँ जितने भी प्रेडिक्शंस देता हूँ। जब प्रेडिक्शन देता हूँ तब बड़े वाइल्ड लोगों को लगते हैं वाइल्ड, ट्रू, लेकिन there is a lot of logic to it, ठीक है? अब जब हम अपने आप को क्यों बताएंगे हम अपने आप को इंडिया, जब आप समझते हैं कि कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, हमको ढूंढता हुआ आ रहा है, तो उसको
उसकी चिट्ठी में लिखा है कि ऊपर हिमालय है, नीचे हिंदू सागर है और यहाँ पे सिंधु घाटी है, वो हमको ढूंढता हुआ आ रहा है। तो वो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के बेस पे हमको लेबल चिपका के चला जाएगा, नया नाम दे देगा, ये तो नहीं होता, True. कोई लॉजिक नहीं बनता है इस बात का। ठीक, तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा नाम रखा है दैट इज भारत, और हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उसके टंग में प्रॉब्लम है, कि उसको क्या है। ठीक है, एड्रेस को आप नाम नहीं बना सकते। ठीक है, तो और फिर आप जानते ही हैं कि डीकोलोनाइजेशन का वेव, तो बहुत सादा सी बात है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में अब से भारत टर्मिनोलॉजी को पुश किया जाएगा। और जहां तक सवाल आर्टिकल 1 का है कॉन्स्टिट्यूशन का, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो आई थिंक पॉपुलेशन में मैसेज तो गया है। लेट्स वेट फॉर पीपल्स फीडबैक। अगर लोगों को लगता है कि जिस प्रकार का लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, मैं सिर्फ हम लोग ट्विटर पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लोग अपने वो डिस्क्रिप्शन में इंडिया हटा के भारत 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 लिख रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है कि ये फीडबैक जब ऊपर दिल्ली तक जाएगा, तो तब जाके कंसेंसस बना के हम नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के आर्टिकल 1 को जब रीराइट करना चाहिए तो करेंगे। बट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और सरकार जो है इज ऑल ईयर्स। आप जो भी है अपना फीडबैक दे सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि डीकोलोनाइजेशन के लिए जो भी बन पड़ता है, पिछले जो भी कालखंड में जो भी गलतियां हुई हैं, हम उसको रिवर्स करेंगे। गवर्नमेंट के पास मैंडेट है, आप अपना फीडबैक भेजें, गवर्नमेंट बिल्कुल इस पर फोकस करेंगे। सुपर। और हमारा आखिरी सवाल, अंकित शाह का नया प्रेडिक्शन क्या है, क्या होने वाला है? देखिए, जो जिस प्रकार की वेस्टर्न कंपनीज की पोजीशनिंग मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे, जैसे इस डिकेड में यहाँ होके शिफ्ट होके ऑपरेशन तो होगा ही। जिस प्रकार का ट्रेड रूट बन रहा है मिडिल ईस्ट टू यूरोप, जिसका अनाउंसमेंट हुआ, ये देख के मुझे लगता है कि 400 साल पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे, हम यूरोपियन सारी कंट्रीज जो हमें खोज रहे थे तब, तो उससे पहले जिस प्रकार का भारतीय प्रोडक्ट और सर्विस कंज्यूम होता था, चाहे आप सिल्क रूट बोलो या स्पाइसेस ट्रेड बोलो, मुझे लगता है कि अब क्योंकि वेस्टर्न बहुत सारी कंपनीज अपने खुद के सर्वाइवल के लिए भारत में शिफ्ट होकर ऑपरेट होंगी, तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि एप्पल का जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भारतीयों के पास होगा पहले, और वेस्ट में। एप्पल ने तो अनाउंस कर ही दिया है, वो हमारा उनका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है इंडिया शिफ्ट करने वाला है। हाँ, तो जो लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट होगा वो पहले भारतीयों के हाथ में होगा, और बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड मुझे लगता है कि भारतीय जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो वेस्ट के खाली जो वेल्दी क्लास है वो ही परचेज कर पाएंगे। तो तो पूरा शिफ्ट होने वाला है इनडायरेक्टली। जी, तो 400 साल पहले जो हम थे, तो हमें दो रिवर्सल्स देख रहे हैं यहाँ, एक 400 साल का रिवर्सल और एक 1000 साल वाला रिवर्सल, ये दोनों कंप्लीट करना है। तो अभी तो वी आर बैक टू 1946, तो हम फिर वापस 1600 में भी जाएंगे और फिर ईयर 1000 में भी जाएंगे, जिससे पहले, मतलब इन्वेडर्स आने से पहले जो इंडियन फार्मर वुमेन थी, वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन दिस प्लैनेट, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो सुन ले कि इन्वेडर्स आने से पहले इंडियन फार्मर वुमेन वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन दिस प्लैनेट। तो आ एम्पावरमेंट को जो जॉब से जोड़ते हैं वो समझ ले कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो फार्मिंग में बहुत बड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा इसके बाद, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, और बिल्कुल हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर हम हमारे एजुकेशन फॉर्मेट में बच्चों को, छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा ग्रो करना भी सिखाएं कि टमाटो का प्लांट कैसे लगाते हैं, लेमन का प्लांट कैसे लगाते हैं। तो इस प्रकार के रिवैम्प कुछ शुरू होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे
हमारे एजुकेशन सेक्टर के कैंपसेस बेकार हो जाएंगे आफ्टर डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, तो स्पोर्ट्स गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस और फार्मिंग ये सब ऐड किया जा सकता है करिकुलम में एज अ। तो फार्मिंग विल बी द नेक्स्ट बूम। फार्मिंग इज गोइंग टू बी अ बिग बूम गोइंग फॉरवर्ड। अंकित जी, लास्ट टाइम की तरह इस टाइम का पॉडकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी, क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। अंकित जी, वियतनाम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।